सब्सक्राइब करें देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास को और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इनफिनिटिव टेंस और कंटिन्यूअस टेंस फिनिश हो गया है और उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। एंड टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल मीन्स जो काम पूरा हो गया हो, जो काम पूरा हो गया हो उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम विस्तार से समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब भी सेंटेंस के अंत में वर्ब के बाद, क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ली है, दी है, खी है, रहे, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझेंगे। और इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है समझने में कि मतलब लास्ट में जो सेंटेंस का अंत में एक ही फार्मूला नहीं है कि यही आएगा। जैसे प्रेजेंट इनफिनिटिव टेंस में था ता है, ती है, ते है, और कंटिन्यूअस में था रहा है, रहे है, रही है। बट इसमें क्या एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। मैं आपको सेंटेंस के द्वारा समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए एक हम सेंटेंस लेते हैं। मैं चाय पी चुका हूँ। तो मैं चाय पी चुका हूँ, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मैंने चाय पी ली है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने चाय पी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही सेंटेंस को हम कई तरीके से बोल सकते हैं हिंदी में, तो उसको हम इंग्लिश में एक ही तरीके से बनाएंगे। जैसे आई हैव टेकन टी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना ज़रूरी है। ये लास्ट में सेंटेंस का अंत में क्या आता है उस पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझ गए कि ये किस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे तो आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैंने चाय पी है, मैं चाय पी चुका हूँ, मैंने चाय पी ली है, ये सारे के सारे अर्थ एक ही निकलते हैं, इसलिए इसका इंग्लिश एक ही तरीके से बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हैव और हैज कहाँ लगता है वो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मैं एक बार मेकिंग फार्मूला भी लिख देता हूँ। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज आएगा, फिर हैव आएगा, फिर V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ठीक है, जैसे उसने ताजमहल देखी है, या इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वह ताजमहल देख चुका है, या इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि उसने ताजमहल देख ली है। हम एक ही सेंटेंस को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं हिंदी में, लेकिन उसका इंग्लिश एक ही होगा। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट उसने, वह उसने, तो ही। अब ही के साथ क्या लगता है, मैंने बेसिक में अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। ही के साथ हैज़ लगता है, तो हैज़। फिर इसमें वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है, देखना है, तो सी। सी का तीसरा फॉर्म होता है सीन, यानी थर्ड फॉर्म। आपको इसमें फॉर्म याद करने पड़ेंगे, कुछ तो ईडी लगाकर बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ तो ईडी लगाकर बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ब हैं जिसके फॉर्म से याद करने पड़ते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अलग अलग होते हैं, इसलिए वो याद करना पड़ता है। तो सी का सीन होगा, ही हैज सीन ताजमहल। महल, ठीक है फ्रेंड, वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है।
ही हैज, इसका वर्ब क्या है, गया, मिस जाना, तो गो का गोन होता है ही हैज गोन टू स्कूल। फ्रेंड्स इसको हम ज़्यादातर आजकल शॉर्ट फॉर्म में बोलने की प्रचलन हो गई है, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, हीज गोन टू स्कूल, ये होता है शॉर्ट फॉर्म, ही इज गोन टू स्कूल। अब इसका मतलब ये नहीं होता है, काफ़ी सारे लड़के बोलते हैं ही इज़ गोन टू स्कूल, बट उसको मैं लिखने के लिए बोलता हूँ कि बिना फुल फॉर्म में लिखो तो ही इज़ गोन लिखते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इन्फिनिटिव की सेंटेंसेस को देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कम, जैसे इन्फिनिटिव मीन्स क्या, टू प्लस वर्ब, तो वह खेलने गया है, तो वह खेलने गया है, यह भी वर्ब है और यह भी वर्ब है। प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस और कंटिन्यूअस टेंस, दोनों टेंसेस में मैंने इन्फिनिटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था आपको, तो इसमें भी इन्फिनिटिव है यानी डबल वर्ब, तो ही हैज गोन, सबसे पहले हम मेन वर्ब लिखेंगे गोन, उसके बाद टू प्ले, ठीक है, उसने मुझसे मिलना चाहा है, तो ही हैज वांटेड टू मीट मी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्फिनिटिव मतलब ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों टेंसेस में मैंने आपको इसके बारे में बताया है, और आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे कि इन्फिनिटिव का मतलब एक सेंटेंस में दो वर्ब आता है, तो मेन वर्ब लिखने के बाद हम टू लिखते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ब यानी दूसरा वर्ब लिखते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का क्लास, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तक हमारा क्लास अटेंड करने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।